अंबानी लो जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा एनपीओ टॉपिक चल रहा है एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कराया था। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का आपको समझाया था और मैंने आपको बताया था कि जब हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं कैलकुलेशन करने के, जिसमें से एक तरीका है हम अकाउंट बनाकर भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों, आपको अकाउंट तब बनाना चाहिए जब आपको सब्सक्रिप्शन कोई उल्टी सीधी चीज निकालने को बोल दे। जैसे एक में तो बोलता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालो जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, तो वहां पर तो आप लोगों ने स्टेटमेंट वाइज भी बड़ा अच्छा दिमाग बना लिया, अपना माइंडसेट बना लिया है कि टोटल रिसीव्ड होता है, टोटल रिसीव्ड में से प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर दो, प्रीवियस ईयर का जो रिसीव्ड है, और माइनस कर दीजिए जो नेक्स्ट ईयर का रिसीव्ड है यानी कि एडवांस एंड, और जो प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड होता है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और हम उसमें ऐड भी कर देते हैं। हम क्या ऐड कर देते हैं? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, समझ में आ रहा है, और ऐड कर देते हैं हम एडवांस बिगिनिंग, तो हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जो हमें किसके अंदर दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप सब बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी चीजें जाती हैं वो सारी की सारी करंट ईयर की जाती हैं। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो जी। जी सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी चीजें जाती हैं वो सारी की सारी कौन सी जाती है? हमारी करंट ईयर की जाती है। लेकिन इसी चीज को जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आप सभी बच्चे एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, थ्री थिंग्स का है, एक सब्सक्रिप्शन, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो आप ये कह सकते हो कि एक ही अकाउंट में हम तीनों चीजों को दिखा रहे हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एसेट्स। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लायबिलिटी। बोलो यार। Yes, sir. और सब्सक्रिप्शन तो नॉर्मली हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोल दे या क्वेश्चन में कोई उल्टी सीधी चीज मांग ले, उल्टी सीधी बोले एडवांस बिगिनिंग बताओ, या क्वेश्चन बोल दे कि आउटस्टैंडिंग एंड बताओ, या फिर क्वेश्चन बोल दे एडवांस एंड बताओ, या क्वेश्चन क्या बोल दे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बताओ। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर क्वेश्चन सिंपली बोले, क्या बोले क्वेश्चन सिंपली, कि भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बताओ कि कितना सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, तो आप स्टेटमेंट बना लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन कोई अलग चीज मांग ले। बच्चों, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर आपसे डिफरेंट थिंग्स मांग लेता है, जैसे कि वो बोलेगा बताइए आउटस्टैंडिंग एंड कितना है, या फिर वो बोले एडवांस बिगिनिंग कितना है, तो उस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना चाहिए। समझ में आ गई बात? सब्सक्रिप्शन अकाउंट काफी इजी है, काफी आसान है, और इवन मैं आपको बताऊं आप हर केस में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी अपना आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको स्टेटमेंट वगैरह समझ नहीं आई है तो। तो बच्चों, बाय बैंक करके देखो, जो भी टोटल रिसीव्ड है वो आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या होती है? हमारी इनकम। इनकम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बच्चों बाय बैंक। एक बात आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो तो आपको हमेशा टोटल बेसिस पर अकाउंट बनाना होता है। कोई भी अकाउंट आप बनाओ, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी अकाउंट बनाओ, दैट अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन टोटल बेसिस। अरे बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? तो यहाँ पर टोटल रिसीव ले लिया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। बच्चों एक बात बताओ, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है वो हमारी एसेट है, क्योंकि पैसा लेना है। बोलो यार। तो जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है एसेट है, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट साइड दिखाएंगे। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अपोजिट साइड। अरे बोलो भाई। यस सर। एडवांस बिगिनिंग क्या होता है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? फटाफट बताओ, क्रेडिट। एडवांस बेटा इनकम मुझे एडवांस में मिल जाती है तो दैट इज माय लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो एडवांस बिगिनिंग यहाँ पर आ जाएगा और एडवांस है यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बोलो। यस सर। और फिर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है। अब क्या होता है, आपको मान लो टोटल रिसीव निकालना हो और सारे आइटम गिवन हो, तो बैलेंसिंग फिगर ये बन जाएगा।
बोलो भाई yes, और सब चीज की मानो एडवांस बिगिनिंग निकालना हो तो बैलेंसिंग फिगर ये बन जाएगा। तो अकाउंट बनाने का ये फायदा होता है कि हम कुछ भी जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हर बारी दिमाग एक ही तरीके से लगेगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट बनाकर काम करोगे तो आपको हर बार माइंड क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालते हैं तो हमारा माइंड कुछ अलग तरीके से माइनस मुइनस करके माइनस प्लस करके निकालता है, बोलो भाई yes, sir। लेकिन अगर वो मान लो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की जगह बोल दे आउटस्टैंडिंग है, तो फिर भाई देखो जमा का सवाल है तो जमा की तरह दिमाग लगाना पड़ेगा, घटा है घटा मल्टीप्लाई, तो माइंड क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने एक फॉर्मेट बना दिया, अब ये फॉर्मेट बन गया है तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम कुछ भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ये भी निकल सकता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें हमारी क्या निकल सकती है, बैलेंसिंग फिगर निकल। समझ आया नहीं आया yes, बोलो बच्चों yes, तो अकाउंट बनाने का ये फायदा होता है। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आप इसे याद कर लीजिए। याद करना बहुत आसान है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड बाय बैंक, और टू इनकम एंड एक्सपेंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो वो टोटल बेसिस पर बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों बताओ, टोटल बेसिस पर। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। डोंट वरी, जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, पूरा एमपीयू आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है। अपनी जिंदगी के मौज लिए सभी बच्चे, मजे करो अपनी लाइफ के बच्चों। चलो जी बच्चों, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम करेंगे क्वेश्चन और आप सभी बच्चों को काफी अच्छा लगेगा, अकाउंट भी बनाएंगे हम, अकाउंट के थ्रू कराते हैं। आइए जी प्यारे बच्चों, आपके सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 11, लीजिए सभी बच्चे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। सर हम बुक यूज कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड शो इन द फाइनल अकाउंट। बच्चों अंडरलाइन कर लीजिए फाइनल अकाउंट, अरे जब कभी भी फाइनल अकाउंट बोल दे तो आपको समझ जाना है बैलेंस शीट में भी दिखानी है। ओके सर, देखो प्यारे बच्चों ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट, हमें मिला है 2020 में 1,00,000 रुपए, जी सर, टू सब्सक्रिप्शन, दिस इज टोटल रिसीव। ओके सर, समझ में आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बात इजी या मुश्किल की नहीं होती है, बात होती है कॉन्सेप्ट जो हमने करा है क्या हम उसको समझ पा रहे हैं नहीं। 31st March 2019 को एज एट लिखा रहता है, दैट मींस टोटल, इसका क्या मतलब होता है टोटल, तो 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस भी है। तो प्यारे बच्चों ये है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एडवांस बिगिनिंग, और 31 मार्च 2020 को बच्चों आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस एंड। करते हैं क्वेश्चंस, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, सर हमें एनपीओ में मजा आ रहा है। बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आप एनपीओ को तभी एंजॉय कर सकते हो अगर आप साथ साथ होमवर्क कर रहे हो। अगर आप साथ साथ होमवर्क नहीं कर रहे हो तो बच्चों तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है बच्चों। झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है लाइफ में बच्चों। बस सिंपल सी बात है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि क्लासेस अगर फेस टू फेस हो रही हैं तो प्लीज इसका एडवांटेज लीजिए। चैप्टर को आसान ना समझे, चैप्टर को हल्का ना समझे। अगर आप चैप्टर को आसान समझोगे, चैप्टर को हल्का समझोगे, तो चैप्टर तुम्हारे आंसू निकाल देगा पेपर में, ध्यान रखना बच्चों। समझ में आ गई, ये चैप्टर ऐसा है तुम्हें रोना दिला देगा बच्चों, मतलब आंखों से आंसू निकाल देगा 100%। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो जी सर, ठीक है बच्चों, तो आपके सामने क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैंने आपको बता रहा था एनपीओ में बच्चों साथ साथ होमवर्क कर लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, समझो बच्चों। 10 नंबर का चैप्टर है, क्यों इसको अपना बेकार कर रहे हो। तो देखो अकाउंट आपको तब बना लेना चाहिए जब आपसे कोई उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन मांगे, मतलब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मांग ले, एडवांस एंड मांग ले, एडवांस बिगिनिंग मांग ले, तो आपको ये एडवाइस करी जाती है कि बच्चों फिर उस टाइम स्टेटमेंट मत बनाओ, सीधा अकाउंट बनाओ, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि उन्होंने अकाउंट बनाना है क्या, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 11,
तो बच्चों अगर मैं आपको अकाउंट बनाकर समझाऊं तो देखो कितना आसान है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे अगर हम अकाउंट के थ्रू समझें तो। अकाउंट वाले बच्चे जो रट्टा वाले बच्चे हैं, जो रटना ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉन्सेप्ट्स की जगह, तो उनके लिए बहुत आसान है। इधर देखो सारे बच्चे कैसे, जब कभी हमें मिलेगा सब्सक्रिप्शन तो हमारा बाय बैंक ये टोटल बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं डेबिट, फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो यहाँ पर आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और यहाँ पर आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग एंड, समझ में आया? अरे बोलो यार। और यहाँ पर फिर आप क्या लिखोगे, एडवांस बिगिनिंग, क्योंकि एडवांस बिगिनिंग के बैलेंस क्या होते हैं क्रेडिट और एडवांस एंड यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये है मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो कहां पर जाने वाला है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है बच्चों? अरे बोलो यार। यस सर। तो बच्चों जिनको समझ नहीं आ रहा मैं कहूंगा इसे रट्टा मार लो भाई, या जिन बच्चों ने क्लास व्लास मिस करी इसे रट्टा मार लो, सारे क्वेश्चन इसी के तरीके से करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अकाउंट हमेशा टोटल बेसिस पर बनता है। अकाउंट में सब कुछ क्या आता है, टोटल आता है। अकाउंट में सब कुछ क्या आता है, टोटल आता है। अब इस लाइन को अगर आप देखो तो 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20, फटाफट बताओ सारे बच्चे, या 31 मार्च 19 बात है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और एडवांस बताओ बच्चों। अगर आप क्वेश्चन देखो तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आउटस्टैंडिंग है 20, वैसे आप इतने प्यारे हो नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ना, तुम सारे नलायक बच्चे हो, बिल्कुल बेकार बच्चे हो, मतलब तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए। बताओ तुम्हें इतनी प्यार से सारी चीजें समझा दी लेकिन फिर भी तुम कुछ भी मेहनत नहीं करते। बताओ सारे बच्चे, भाई नोटिंग मत करो यार, समझ लो। हाँ जी बताइए, आउटस्टैंडिंग कितना है साल के स्टार्टिंग में, बताओ। ये इन्फॉर्मेशन जो लिखी है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000। तो ये यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, बताओ। 20,000 रूपए कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 20,000, एडवांस बिगिनिंग 30,000। बोलो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एंड, ये तो वैसे ही टोटल है, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, और एडवांस एंड 20,000। ऊपर चेक करोगे जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखोगे तो बच्चों आपको टोटल कितना मिला है, 1,00,000। टोटल कितना मिला है, 1,00,000। अब यहाँ से निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर, यहाँ से क्या निकाल लीजिए बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। समझ आ रहा है? बोलो हाँ या ना। टोटल कर लो इसका, 1,70,000 और 1,70,000 माइनस क्या, माइनस 20,40। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 1,30,000। समझ आया? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन करके, और ये कब का बनेगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। सर जी सब्सक्रिप्शन कितना आएगा बच्चों, आया 1,30,000। सर क्वेश्चन ने बोला था फाइनल अकाउंट। लो जी बच्चों, अरे फाइनल अकाउंट बोल दिया तो क्या दिक्कत है, बैलेंस शीट में दिखा दो आप लोग फाइनल अकाउंट में। वैसे वो खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता है, बट हम क्या करेंगे, अरे वर्किंग नोट में हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना देंगे, क्या दिक्कत है बताओ फटाफट। अरे बोलो भाई, इस चैप्टर की हमने बिल्कुल जान निकालनी है, लेकिन जान निकालने के लिए आपका सपोर्ट चाहिएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चों मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चैप्टर मुश्किल है इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, सारी चीजें करा के चलूंगा, बट फिर भी आप लोग प्लीज समझा करो, खुद से मेहनत करो बच्चों, अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आप बताइए साल के एंड में, साल के एंड का डाटा डाल दो। बोलो यार। यस सर। बैलेंस शीट हमेशा कैसे बनती है, टोटल बेसिस पर। बताइए आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड। तो यहाँ पर आप सिंपल ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए, कितने हजार है, 40,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन फटाफट बताओ सारे बच्चे, 20,000। अरे एडवांस सब्सक्रिप्शन, अरे बच्चों 20,000, समझ में आ गई। यहाँ पर फिर दोबारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है, 20,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है फटाफट बताओ सारे बच्चों, अरे 30,000 का एडवांस सब्सक्रिप्शन है। अरे बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बताओ। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको स्टेटमेंट बनाकर भी करवाओ, तो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अगर आप स्टेटमेंट बनाकर करते हो तो इधर देखो सारे बच्चे,
तो अब देखना सारे बच्चे लॉजिक अप्लाई होते हैं। हाँ जी ध्यान से सुन लो, एक क्वेश्चन से सब चीजें क्लियर। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पेपर में आपको एक ही करना, या तो आप अकाउंट बनाकर करना या फिर स्टेटमेंट बनाकर। अरे बोलो यार। yes, अच्छा बताओ, अगर स्टेटमेंट बनाकर करेंगे तो कैसे करेंगे? इधर देखो, यहाँ पर दिमाग ऑन रखना पड़ेगा, यहाँ कोई रट्टे वाली बात नहीं है। तो टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बताइए सारे बच्चे, 1,00,000 रुपए। समझ में आई बात? बोलो। अब देखो, आपको मैंने समझाया था ये जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, बताइए क्या हुआ होगा, क्या ये आते आते मिल गया होगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, जो साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट कि ये पैसा हमें इस साल आते आते मिल गया होगा। अरे बोलो यार। yes, sir. तो हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि दिस इज रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। ये किससे रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर। और इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, क्योंकि ये आते आते मिल गया होगा। तो लॉजिक सिंपल है, इसको माइनस कर दीजिए। अब ये जो एडवांस बिगिनिंग है यहाँ नहीं मिलता है, ये एक्चुअली पिछले साल मिलता है 31 मार्च 2019, यहाँ पर मिला होता है। अगर आप किताब में देखो तो डेट भी यही मेंशन है। तो दिस एडवांस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। बोलो हाँ या ना। yes, sir. दिस एडवांस इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट इट इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन ये 1,00,000 में शामिल नहीं है। हेंस इट शुड बी इंक्लूडेड। तो इसको हम एड कर देते हैं एडवांस बिगिनिंग। व्हाई इट इज एडेड? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। तो लॉजिक्स के साथ अगर हम काम करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। आउटस्टैंडिंग एंड, अब बताओ मुझे सभी बच्चे बताओ, जब मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर का सारा आउटस्टैंडिंग मिल गया, बोलो। जब मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का सारा आउटस्टैंडिंग मिल गया, तो बच्चों ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है कब का हो गया फिर? सारा का सारा ये करंट ईयर है। अरे बोलो भाई। yes, sir. तो इसको हम एड कर देंगे। क्यों एड कर देंगे बताओ? Why it is added? क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर। दूसरा लॉजिक, क्या ये 1,00,000 में शामिल है? बताओ। अरे क्या ये 1,00,000 में शामिल है? नहीं है ना शामिल। क्यों नहीं है शामिल बताओ? मिला ही नहीं। और मिला ही नहीं तो आउटस्टैंडिंग थोड़ी रिसीव्ड में शामिल होता है। कैसी बात कर दी सर। तो कॉन्सेप्ट है बच्चों, अब ये चीजें ऐसा होता है जब हम घर पे खुद से पढ़ते हैं, जब खुद से दो चार क्वेश्चंस करते हैं, जब हम बोल बोल भाई ये मिला है नहीं मिला है कब का है, तो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी देखो टीचर के साथ साथ तो चीजें आसान लगती है, ठीक है मैंने लॉजिक्स के साथ बता दिया, बट आप दो चार क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर आप देखो कि जो मैंने समझाया है वो आपका माइंड कितना अप्लाई कर पा रहा है। चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, समझो चीजों को, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और खाली ये एक टॉपिक नहीं है, इसके साथ अभी सब एक्सपेंसेस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बेसिस पर आपके एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन होगी। तो बच्चों दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एक बार करोगे तो मजा भी आएगा फिर। तो ये आउटस्टैंडिंग सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। रीजन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो सारा हमें मिल गया था। ठीक है बच्चों। चलो सर, अब आप इतना मत डीप में ले जाइए। और ये एडवांस एंड है, बताओ ये जो एडवांस मिला ये ऑब्वियस सी बात हमें इसी साल में मिला होगा। बोलो भाई। तो ये इसके अंदर शामिल है क्योंकि जो रिसीव्ड तो हुआ है ना ये, बट ये पैसा तो मिल गया, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, इट इज रिलेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हेंस इट शुड बी माइनस। बोलो यार। क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सर लॉजिक, लॉजिक क्या है भाई? टारगेट मत बोलो, लॉजिक ये है। टारगेट क्या है आपका बताओ सारे बच्चे। अरे बोलो यार, क्या टारगेट है? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना, चाहे मिला हो या ना मिला। क्यों है ये टारगेट? क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पर बनता है? एक्रुअल बेसिस पर। करंट ईयर की चीजें जाती है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा सकता, सॉरी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है बच्चों। रट्टे मारने रट्टे मारो, खत्म। स्टेटमेंट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। जब क्वेश्चन साफ साफ बोले कि अकाउंट बनाओ तभी बनाओ आप अकाउंट। अभी मैं नोट बनवाया था कि अकाउंट कब बनाना होता है, तो 20, 20, 40, 40 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 1,30,000। तो ये भी 1,30,000 है। दिस इज सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये है प्यारे बच्चों करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो बच्चों। सर जी बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। काइंडली नोट डाउन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन कर लीजिए नोट डाउन सारे बच्चे। सॉरी भैया जी, ठीक है बच्चों। तो अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आपके लिए। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बातें समझ भी आई होगी, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, छोटी छोटी वीडियोस बनेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप सब बच्चों के पास मेरा नंबर है 9716980980, प्लीज इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। एंड हाँ, हमारी ऐप है एंड्रॉइड ऐप बच्चों, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी संजय क्लासेस के नाम से, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सारे नोट्स और जो है प्रीवियस चीजें हैं, प्रीवियस वीडियोस के लिंक सारे आपको एक जगह वहीं पर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।